इलेक्शन का दौर है, हर पार्टी इंसाफ। आप जानते हैं कि शिमाली हिंदुस्तान में खासतौर पर दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टियां निकल आई है जिन्होंने दावे पेश किए हैं कि हम इंसाफ कायम करेंगे। मेरे दोस्तों, ये लफ्ज इंसाफ, ये वो जो इंसाफ का है, ये इस्लाम का पैदा करता है। इस्लाम और इंसाफ एक है, दोनों एक दूसरे के लिए है। इंसाफ कायम करना है तो इस्लाम के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और जब लफ्ज इंसाफ आता है तो हम मुसलमान फौरन हमारे जहन में एक ऐसे सहाबी आ जाते हैं जो अपनी इंसाफ और अदल के लिए मशहूर हैं। और वो सहाबी मेरे दोस्तों, जिनका नाम उमर बिन खत्ताब है। आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे इंसाफ कायम किया और इनकी जो बड़ाई और इनकी जो शोहरत रही, की बुनियादी वजह मेरे दोस्तों इंसाफ है। इन्होंने जो दस सारा हुकूमत जो की, देखते हैं कि इस्लाम बड़ा ही फखर और इज्जत से रहा और दूर दराज से भी अदना से अदना झलकी भी फितनों और फसादों की नजर नहीं आती। जब इनकी हुकूमत कायम रही, सब सीधे रहे, मुनाफिक पर मार नहीं सके, कुफार अपनी जबान लड़ा नहीं सके, सब खामोशी से हैं और सब इनके इंसाफ को सुनते हुए चले जा रहे हैं। और 10 साल की ऐसी हुकूमत कायम हुई जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में बहुत कम मिलती है मेरे दोस्त। इनका एक कहना सारे अरब उसे मानती है, इनका एक कौल सब सरनिगो होकर उनके इस कौल को सुनते हैं। और लिबास बिल्कुल अदना, पेवन से बड़ा हुआ लिबास, मामूली आदमी है लेकिन बात में जोर है। जब भी कुछ कहते हैं लोग उनकी उस बात को सुनते हैं। अरब जैसे बदू लोग जिनको किसी हुकूमत के अंदर, किसी निजाम के अंदर लाना दुश्वार है, लेकिन जब उमर बिन खत्ताब की हुकूमत कायम हुई, इराक के अरब हो या फिर शाम के अरब हो या फिर हिंदुस्तान या फिर जो है जजीरतुल अरब के अरब हो, सब होने मिलकर इनकी बात सुनी। बुनियादी वजह यह है, मुअर्रिख लिखते हैं, वो बुनियादी वजह यह है कि इनके पास इंसाफ था। और खास तौर पर इंसाफ में मेरे दोस्तों अपने सगों को भी खातिर में नहीं लाते थे। बात इंसाफ क्या गई, सबसे पहले अपनों में इंसाफ नाफिज करते हैं, अपनों में इंसाफ कायम करते हैं, जिसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है मेरे दोस्त। आज लोग इंसाफ के दावेदार हैं, इंसाफ कायम करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम इंसानियत को इंसाफ में चलाना चाहते हैं, अदल में चलाना चाहते हैं, लेकिन जब बात अपनों की आती है, अपने खानदान वालों की आती है, अपने रिश्तेदारों की आती है, आदमी इंसाफ को बालाए ताप रखता है और अपनी मर्जी से हुक्म चलाता है। ऐसे लोगों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि उमर बिन खत्ताब के इंसाफ को पढ़े और इसकी नशर इशात करें, लोगों में बताएं कि मुसलमान जो इस्लाम के पैरों हैं और इस्लाम और इंसाफ दोनों एक ही मजदर से निकले हैं। इंसाफ है तो इस्लाम है और इस्लाम है तो इंसाफ है। मेरे दोस्तों, उमर बिन खत्ताब के ताल्लुक से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इनके एक लड़के थे जिनका नाम अबू शुहैमा, इन्होंने शराब पी ली। लोग आके सिफारिश करने लगे, बोले कि आप माफ कर दीजिए क्योंकि शराब के लिए कोड़े मुकर्रर नहीं है। लेकिन उमर बिन खत्ताब चाहे तो 40 कोड़े मार सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा ये मेरा लड़का है, मेरा लखते जिगर है, इसने गलती की है तो इस पर सजा नाफिज करना और ज्यादा सजा नाफिज करना जरूरी है। ये कह के उन्होंने 100 कोड़े मारे मेरे दोस्त, और तारीख की किताब में वाकया दर्ज है। 100 कोड़े मारे, यहां तक कि उनका लड़का मौत को देखने लगा और कोड़े बाकी रहे, लेकिन उन्होंने 100 कोड़ों को मुकम्मल किया, यहां तक कि उनका बेटा वफात पा गया, लेकिन इन्होंने कोड़ों को नहीं रोका। और उसी तरीके से अपने साले जिनका नाम कुदामा बिन मज़ऊन है, जब उन्होंने गलती की, जब उनसे भी फिर वही गलती सरगद हुई, तो उनके साथ भी इन्होंने वही मामला किया और उन पर भी 100 कोड़े बरसाए, जिससे उनकी जिस्म की चमड़ी उधड़ दी गई थी। लेकिन साले होने की वजह से इन्होंने अपने इंसाफ में कमी पेशी नहीं की। मेरे दोस्तों, इंसाफ ऐसा होना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ सारे दुनिया में मशहूर थी, और उस जमाने में जब हुकूमत कर रहे थे उस वक्त भी किसरा और कैसर के ऐवाने इनके इंसाफ मामलात को सुन रहे थे, और रुस्तम और दूसरे बड़े बड़े बादशाह भी इनके इंसाफ की दात सुनाया करते थे। मेरे दोस्त, एक सहाबी है जिनका नाम अमर बिन आस, ये मिस्र के अंदर इनकी हुकूमत थी, मिस्र के गवर्नर थे। इनके एक लड़के थे, उनसे गलती सरजद हो गई। गलती क्या थी, बाप गवर्नर होने के गुरूर में इन्होंने एक आम यहूदी को एक कोड़ा मार दिया। एक कोड़ा था
उन्होंने मार दिया। अब यहूदी था, उसे मालूम था कि मामला कहां दर्ज करना है। जैसे हम मुआशरे में देखते हैं, हम भी हैं, दूसरे कास्ट और दूसरे कौम के लोग भी हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों कुछ हो जाता है, ब्राह्मण जहां बात कर रहा है वहां बात करते हैं और उनके मामला बड़ी आसानी से दुरुस्त हो जाते हैं। ये हमेशा यहूदी करते आए हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि उनको निजाम मालूम है, कहां कुछ क्या करना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये यहूदी जानता था कि ये मुद्दा कहां पेश करना है। फौरन मिस्र से सफर तय करता है और मदीना पहुंचता है, सीधे उमर बिन खत्ताब की बारगाह में पहुंचता है। कहता है कि तुम्हारे गवर्नर के फर्जंद ने नाक मुझ पर कोड़े मारा है बगैर किसी सबब के। उमर बिन खत्ताब जब भी किसी गवर्नर के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई उठानी है, जब भी कोई चीज उनके खिलाफ सुनते हैं तो फौरन कार्रवाई उठाते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं, ये कह के नहीं छोड़ते कि वो गवर्नर है और उसके लिए जायजे कर सकता है, ये नहीं, उमर के पास नहीं चल सकता रज़ी अल्लाह अन्हु। और उमर बिन खत्ताब फौरन गवर्नर को लिखते हैं कि तुम और तुम्हारे बेटे फौरन बारगाह में हाजिर हो जाएं। अमर बिन आस और उनके लड़के दोनों को हुक्म हुआ कि फौरन बारगाह में हाजिर हो जाएं, बारगाह खिलाफत में हाजिर हो जाएं। और अमर बिन आस एक महीने का सफर करते हुए अपने बेटे को लाकर उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ा करते हैं और यहूदी मौजूद है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं अमर बिन आस के लड़के से, तुमने आखिर कोड़ा क्यों मारा? अमर बिन आस का लड़का ऐसी वैसी बातें कहकर सुलझाना चाहता था, लेकिन बात सुलझने वाली नहीं है, उमर बिन खत्ताब है। और अमर बिन आस सहाबी, वो भी चाहते हैं कि मामले में थोड़ी जो है नरमी पैदा हो जाए, रिफ्कत पैदा हो जाए, लेकिन उमर बिन खत्ताब कहते हैं हरगिज नहीं। उनको मालूम हो जाता है कि यहूदी को बगैर किसी सबब के कोड़ा मारा गया, तो फौरन कोड़े को मंगवाते हैं, मंगवाकर यहूदी के हाथ में देते हैं। कहते हैं कि अमर बिन आस के फर्जंद को मेरे आंखों के सामने कोड़ा मारो। साहबी है खामोश है, कुछ भी नहीं कह सकते, कोड़ा मारा गया। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि दूसरा भी कोड़ा मारो ताकि दोबारा गलती ना हो जाए। यहूदी दूसरा कोड़ा मारता है। उसके बाद उमर बिन खत्ताब कहते हैं जिसके बाद जिसका नाम अमर बिन आस है, इसका ये लौंडा, इसका ये फर्जंद गुरूर कर जो गलती किया है बाप की वजह से किया है, लिहाजा बाप को भी कोड़ा सुना दो। मेरे दोस्तों ये थे उमर बिन खत्ताब, ये था उनका इंसाफ। मेरे दोस्तों हिंदुस्तान में इंसाफ की जरूरत है, हिंदुस्तान में लोग इंसाफ के तलबगार हैं, हिंदुस्तान में लोग इंसाफ चाहते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं जब कोई पार्टी इंसाफ का दावा करती है, लोग उसके पीछे दौड़ कर जाते हैं और उसके लिए वोट सरजद करते हैं, वोट भरते हैं, वजह इसकी कि कहीं इंसाफ मिल जाए। इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ के भूखे हैं। हम और आप जैसे मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम की तालीमात को आम करें और लोगों को बताएं कि अगर तुम इंसाफ चाहते हो, अगर तुम अमन चाहते हो, आओ इस्लाम के हुदूद में दाखिल हो जाओ, इस्लाम के बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम के बोल को बाला करने की कोशिश करो, तो याद रख लो कि तुमको इंसाफ मिल जाएगा। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इंसाफ देखिए मेरे दोस्त, एक सहाबी जिनका नाम उबै बिन काब, जो हाफिज कुरान है, जिनका बड़ा मर्तबा है, उनका और उमर बिन खत्ताब का एक मर्तबा मसला पेश आ जाता है। खलीफे वक्त से एक आम आदमी, एक आम मेंबर शूरा का इख्तलाफ करता है और दोनों का मसला जैद बिन साबित के मजलिस में पहुंचता है। और जैद बिन साबित उस वक्त मदीने के गवर्नर है मेरे दोस्तों, मदीने के काजी है। उमर बिन खत्ताब खलीफा है, मदीने के काजी जैद बिन साबित थे। दोनों जैद बिन साबित के पास मसला पेश करते हैं और उमर बिन खत्ताब को बुलाया जाता है मस्जिद में फैसला करने के लिए। उमर बिन खत्ताब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि उबै बिन काब बैठे हैं और जैद बिन साबित बैठे हैं, और जैद बिन साबित कजावत की मजलिस में बैठे हैं, वहां बैठे हैं जहां आमतौर पर काजी बैठता है, बैठकर फैसला सुनाता है। उमर दाखिल हुए तो जैद बिन साबित जब उमर को देखे तो अपनी मजलिस खाली कर दिए, कहा कि आप इधर बैठ जाए। अब जैद बिन साबित का मकसद ये नहीं था कि नाइंसाफी करें, उमर के लिए कुछ खास रियायतें दे, ये मकसद नहीं था उनका, लेकिन खलीफा होने की वजह से उन्होंने कहा कि ये मजलिस इधर बैठ जाइए आप और मैं फैसला सुनाता हूं। लेकिन उमर बिन खत्ताब ने कहा ये सबसे पहली बेइंसाफी है। उमर बिन खत्ताब ने बैठने से पहले कहा कि ये सबसे पहले बेइंसाफी है, मुझे उस आदमी के साथ बैठना है जिसके साथ मेरा मुद्दा है। ये कहकर उबै बिन काब के बाजू बैठ जाते हैं और उसके बाद मुकदमा चलता है, उबै बिन काब के हक में फैसला होता है और उमर के माथे में रखने नहीं पड़ रहे हैं। खलीफा होने की वजह से मेरे खिलाफ फैसला गया, कभी भी इन्होंने नहीं सोचा, खामोशी से फैसले को सुनते हैं, उसे मकबूल करते हैं और उसके बाद मजलिस से उठ के चले जाते हैं। मेरे दोस्तों ये था इंसाफ। इस तरीके से इंसाफ अगर कायम आपको करना है तो याद रख लीजिए, उमर को किसने ऐसा इंसाफ सिखाया? उमर के अंदर आखिर जज्बा कहां से आया? उमर के अंदर ये फिदाइयत, उमर के अंदर ईमान कहां से निकल आया मेरे दोस्तों? इस्लाम की तालीमात की वजह से। ये जान लीजिए, इस्लाम ने उनको इंसाफ सिखाया, इस्लाम ने उनको वो अदल सिखाया। मेरे
प्यारे दोस्तों, इंसाफ और अदल ये इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद और सुनिए, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मदीने में चल रहे हैं और इनका तरीका था आमतौर पर रात में निकलते ताकि रियाया की हालत देखें। आम बादशाहों की तरह नहीं कि वो सोते रहे और हर काम के लिए लोग मुकर्रर कर दें और उसके बाद सब लूट माफ करें और बादशाह को कोई खबर ना हो, ऐसा नहीं होता है उमर के साथ। उमर बिन खत्ताब रात में निकलते और सड़क सड़क पहुंचते, गली गली में गुजरते, देखते कि रियाया की हालत क्या है। तो एक मरतबा देखते देखते मदीने के हुदूद से बाहर निकल गए तो देख रहे हैं कि झोपड़ी है, उसके अंदर से आवाजें आ रही है। उमर बिन खत्ताब झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो अंदर से एक बुढ़िया और उसकी बेटी मुकालमा कर रहे हैं, दोनों में गुफ्तगू चल रही है। बुढ़िया बेटी से कह रही है कि ये जो दूध है जिसे सुबह हमको फरोख्त करना है, बेचना है, इसमें थोड़ा पानी मिला ताकि दूध ज्यादा हो जाए, कमाई अच्छी आ जाए। बेटी जो इंतहाई परहेजगार गरीबी में मुत्तकी है, परहेजगार है, कहती है कि माँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, हमारे इस कानून में मुमकिन नहीं है और हुकूमत उमर की है, अगर मालूम हो जाए तो मसला हो जाएगा। बुढ़िया कहती है अरे नहीं नहीं, तुम पानी मिला दो, कोई हर्ज नहीं है, उमर नहीं देखेगा। उमर कैसे गैब जानता है, उमर नहीं देखेगा रज़ियल्लाहु अन्हु। बेटी कहती है कि माँ अगर उमर नहीं देखता है तो उमर का रब तो देख रहा है, ये करना जायज नहीं है। उमर को जब ये बेटी बुढ़िया की बेटी की ये बात कान को पहुंची तो बहुत खुश हुए, घर में दाखिल हुए, पूछे कि तुम दोनों की तकलीफ क्या है। दोनों ने उमर को नहीं पहचाना, नहीं मालूम कि खलीफा आए हैं। उन्होंने समझाया कि एक आम आदमी आया है, हमारी तकलीफ पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये तकलीफ है, खाने पीने के लिए सामान नहीं, हम दूध बेचकर पेशा करते हैं, गुजारा करते हैं। तो उमर बिन खत्ताब फौरन दौड़ते हैं बैतुल माल की तरफ और अपने गुलाम को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि ये लो एक मूठा आटे का तुम उठा लो, उससे पहले एक मूठा खजूर का मेरे खांदे में चढ़ा। गुलाम कहता है कि मैं उठा लूंगा, आप सिर्फ सामने चले, रास्ता बताएं, मैं उठा कर लेके जाऊंगा। तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि तू दुनिया का मूठा उठा सकता है, आखिरत में मेरे गुनाहों का मूठा उठा सकता है तू? जब नहीं उठा सकता है तो ये मूठा मेरे खांदे में लगा दे। ये कहकर उमर और उनके गुलाम दोनों अपने खांदों में मूठे उठाकर उस बुढ़िया के पास पहुंचते हैं। मेरे दोस्तों ये था इंसाफ, गुलाम के साथ इंसाफ का मामला। फलस्तीन का सफर आया, तारीखी सफर है। उमर बिन खत्ताब शाम की तरफ सफर करते हैं, वजह इसकी ये थी कि जब मुसलमान शाम फतह किए तो वहां के ईसाइयों ने कहा कि हम ये जो चाबियां हैं बैतुल मक़दिस की तुम्हारे खलीफे के पास सुपुर्द करेंगे, आम गवर्नरों के पास नहीं। तो वहां से सात दिन वक्का खत लिखते हैं, कहते हैं कि ये लोग सिर्फ खलीफे से बातचीत करेंगे, खलीफे के पास कुंजिया सुपुर्द करेंगे। तो उमर बिन खत्ताब सफर करते हैं। अब सफर क्या है मेरे दोस्तों, एक ऊंटनी है, उनके साथ एक गुलाम है और उसके बाद उमर का लिबास पेवंदों से भरा हुआ है। सफर का आगाज हुआ, जा रहे हैं, रास्ते में उमर और उनके गुलाम ये इत्तफाक कर लेते हैं कि एक दिन तू सवारी करेगा, एक दिन मैं नीचे चलूंगा। खलीफे के लिए मुमकिन था कि गुलाम से कहता कि तू मेरे सामने चलता जा और मैं ऊपर बैठ के आऊंगा, और ये भी इंसाफ था, गुलाम इसके लिए होता है ताकि वो ऊंट खींच कर जाए, इसलिए तो गुलाम है, इसीलिए उसे तनख्वाह मिलती है। लेकिन उमर बिन खत्ताब का इंसाफ देखिए, कहते हैं कि नहीं, एक दिन मैं पीठ में बैठूंगा, दूसरे दिन तुम पीठ में बैठोगे। अब इत्तफाकन जब काम के हुदूद में दाखिल हुए तो ढेर सारे डेलीगेशन खड़े हुए हैं, बड़े बड़े सरदार खड़े हुए हैं, पादरी खड़े हैं, कलेसा के बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं। इत्तफाक से उस वक्त दौर आया मेरे दोस्त गुलाम का, गुलाम पीठ में बैठा हुआ है, उमर नीचे और उस ऊंटनी के लगाम को थामे आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को मालूम नहीं हुआ कि इसमें कौन खलीफा है, इसमें कौन गुलाम है, इख्तलाफ हो गया। बाद में बताया गया कि जो नीचे चलकर आ रहे हैं ना, ये उमर बिन खत्ताब है, ये खलीफतुर रसूल है, ये अमीरुल मोमिनीन है। तो लोग दंग रह गए, उनके होश और आवाज उड़ गए। मेरे दोस्तों ये था इंसाफ, इंसाफ इसको कहते हैं मेरे दोस्तों। इंसाफ में सिर्फ उमर बिन खत्ताब नहीं है, और भी ऐसे बादशाह गुजरे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने भयानक इंसाफ कायम किया। ये थे महमूद अल गजनवी, गजना से ताल्लुक था इनका, काबुल के रहने वाले थे, इन्होंने बड़ी जबरदस्त हुकूमत कायम की थी और हम हिंदुस्तान में इनको सोमनाथ मंदिर के सिलसिले से जानते हैं और कहते हैं, और तारीख की किताबों में लिखा गया कि इन्होंने सोमनाथ की मंदिर को फोड़ा गुजरात के अंदर और ढेर सारा माल लूट करने गए, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है, हम इस पर फिर कभी मौका मिले तो गुफ्तगू करें। अब सिर्फ इनका इंसाफ सुन लीजिए, कैसे इंसाफ पसंद आदमी थे। इनके मजलिस में एक आदमी आता है, आकर कहता है कि तुम्हारा जो भतीजा है जालिम, वो मेरे घर में घुस आता है और मुझे निकाल देता है घर में, और वो और मेरी बीवी रहते हैं, जबरदस्ती मुझ पर जुल्म करता है वो, क्योंकि उनका भतीजा एक वजीर रहा है, जबरदस्ती जुल्म करता है मुझे। ये मुकदमा महमूद अल गजनवी की मजलिस में पहुंचता है। महमूद अल गजनवी जैसे ही सुनते हैं उनके सर के पूरे बाल खड़े हो जाते हैं, इंतहा गुस्सा आता है, कहते हैं
कि कब आता है वो? उनके उस आदमी ने कहा कि नहीं मालूम, अचानक रातों में आता है और मुझे धक्के देके बाहर निकाल देता है और जुल्म करता है मुझ पर। महमूद अलगजनवी गुस्से से उनके गाल लाल हो गए, आंख सुर्ख हो गए, कह रहे थे कि जैसे ही वो आ जाए तो फौरन मुझे खबर दे देना। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, रातें गुजर गई, चौथे दिन अचानक वो आदमी दौड़ कर आता है, आकर महमूद अलगजनवी से कहता है कि महमूद अब आ गया तेरा जालिम भतीजा, मेरे घर में घुस आया है, अब चलो फैसला सुना दो मेरे लिए। महमूद अलगजनवी ऐसे झिंगारते हुए उठते हैं गोया के शेर है, सीधे घर में दाखिल होते हैं और बगैर चिराग बत्ती जलाए उनके भतीजे को फाड़ देते हैं, फाड़ के जान से मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बत्ती जलाओ और उसके बाद पानी के हप्पे मारते हैं पानी के। तो आदमी पूछता है कि आप इतने प्यासे थे, इतनी पानी पीने की क्या जरूरत थी? कहते हैं कि मैंने खुदा से कसम खाया था कि जब तक तुझे फैसला नहीं सुनाऊंगा ये एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा, ये एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिल जाए, और मैं तीन दिन से सिर्फ इस वजह से भूखा सूखा बैठ कर तेरा इंतजार कर रहा था, और जब मैंने तेरे हक में फैसला सुना दिया, मैंने मेरा अल्लाह का हुक्म नाफिज कर दिया, अब मेरे कलेजे को सुकून मिला है तो मैंने पानी पिया है। मेरे दोस्त इंसाफ इसी को कहते हैं। इंसाफ आप सुनना चाहते हैं तो आइए तारीख इस्लाम पढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए उन्होंने कैसे कैसे इंसाफ कायम किए। ये झूठ कहते हैं जालिम जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान जब भी हुकूमत किए कुफारों पर हिंदुओं पर जुल्म किए, ये झूठ है मेरे दोस्तों। अगर ये सच होता तो याद रख लीजिए आज मेजॉरिटी किसकी होती? हम मुसलमानों की होती, वो माइनॉरिटी में होते। लेकिन यहां पर जो भी बादशाह है उन्होंने अगरचे के इस्लामी उसूल को नाफिज नहीं किया लेकिन कम से कम इंसाफ का मामला किया, हिंदुओं को उनके हुकूक दिए, मुसलमानों को उनके हुकूक दिए। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान के जितने भी बादशाह है सब ने इस्लामी उसूल को कायम किया, नहीं, वो बादशाह थे, अय्याश थे, अपनी मर्जी से हुकूमत की है, लेकिन जहां तक हिंदुओं का मसला आता है, गैर मुस्लिमों का मसला आता है, उनके साथ वो इंसाफ का मामला करते रहे। मेरे दोस्तों इसे अच्छी तरीके से जान लीजिए। एक औरंगजेब आप जानते हैं, हिंदुस्तान के एक मशहूर बादशाह गुजरे हैं, इनका इंसाफ सुनिए। ये दिल्ली में है, एक इनका आदमी दौड़ कर आकर खबर देता है, एक बूढ़ा आदमी आया है आपसे बातचीत करना चाहता है। औरंगजेब का कानून यह था कि हर आदमी के लिए मजलिस में आने की इजाजत थी, और औरंगजेब का दादा जिसका नाम हुमायूं था जो बाबर का लड़का था, इसका भी इंसाफ मशहूर है मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर। इसने अपने महल में घंटा लगाकर रखा था और हर आदमी के लिए इजाजत थी कि जब चाहे और घंटा हिला दे और फौरन वक्त का बादशाह उतर कर आकर उसके मसले को सुनता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, इंसाफ कायम करना उनका मकसद था। तो औरंगजेब का एक आखिरी वाक्य सुन लीजिए। एक आदमी आकर ये कहता है कि एक बूढ़ा आपसे मुलाकात करना चाहता है, औरंगजेब कहते हैं कि उसे भेज। अंदर दाखिल होता है, बूढ़ा कहता है कि मैं लुधियाना से आया हूं और लुधियाना में मेरा घर है जहां पर आपका एक वजीर है जो इंतहाई जालिम है, उसने ये जुल्म किया है कि जब भी मेरी लड़की नहाती है वो ऊपर से झांकता हुआ जाता है और कोई उसे पूछ नहीं पा रहा, जो भी पूछता है उसे जेल में डाल देता है, तकलीफ देता है और बरमना ए अनल एनान जुल्म कर रहा है, और मुझे उसने धमकी दी है कि एक महीने के बाद आएगा और मैं मेरी लड़की को तलाक लेकर उससे शादी करवा दूं। ये उसने मुझे कहा है और उसने कहा कि एक महीने के बाद आऊंगा, तुझे लड़की जो है तैयार रखना चाहिए। बूढ़ा बहुत परेशान हुआ तो औरंगजेब की मजलिस में आया, औरंगजेब ने पूछा कि कब आएगा वो, उसने एक महीने का टाइम दिया है, कहा कि जाओ हम मसला तय कर देंगे। वो आदमी चला गया, औरंगजेब एक महीने से इंतजार में है, बिल्कुल ठीक उस वक्त अकेले निकलते हैं, उस वक्त अकेले निकलते हैं और सीधे लुधियाना पहुंचते हैं, पहुंचकर उस घर में उस आदमी का इंतजार कर रहे हैं, यानी उस वजीर का इंतजार कर रहे हैं, और वजीर निकल आता है और बूढ़े के घर में धमाके से दाखिल होता है और जुल्म करना चाहता है। तो औरंगजेब मसले में दाखिल होते हैं, कहते हैं कि मैं औरंगजेब, वजीर के होश हवास खत्म हो गए कि औरंगजेब आ गए, और उसके बाद औरंगजेब ने उस वजीर को इतना मारा और उसके बाद कहा कि वजीर के साथ, वजीर ने जो जुल्म किया है और बूढ़े के साथ जो जुल्म हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा हम इंसाफ कायम करेंगे, वजीर की बीवी को चाहिए कि वो जाकर नहाए और बूढ़ा जाकर देखेगा। और उसके बाद वजीर बहुत जो है तलमलाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि ऐसा हरगिज मत कीजिए, मैं माफी चाहता हूं। तो उसके बाद औरंगजेब ने बहुत देर के बाद उसे माफ कर दिया और उसे खूब पीटा मेरे दोस्तों। आज भी लुधियाना के अंदर वो जगह मौजूद है और उस बूढ़े आदमी का नाम मौजूद है, उस घर को ऐसे ही छोड़ रखे हैं ताकि तारीख में निशानी रह जाए कि औरंगजेब ने कैसे इंसाफ कायम किया।
मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान आज भी इंसाफ का तलबगार है, इंसाफ चाहता है। हम और आप मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम की तालीमात को आम करें। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के अंदर कितना इंसाफ है, इस्लाम कैसे इंसानों को इंसानों की नजर से देखता है, इन चीजों को हम और आपको चाहिए कि पेश करें। अकुल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़ातिया फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहू